समीन पेश स्पॉन्सर प्रोग्राम सेहत बदन ये प्रोग्राम से तोहतम वातनावान आया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू इस इदारे ये इलाज बापत दरकार खालिस दवा डॉक्टर फेरोज सबनी निगरानी मजीद तैयार सप्तान बाजियाब सप्तान बापत अनु तुह तशरीफ आया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू फोन 7051545788। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम सेहत बदन के एक और शुमारे के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं मोहतरम उल मकाम मुफ्ती नज़ीर अहमद कासमी साहब के साथ, और हमारे साथ रहते हैं हया अस्पताल बटमालू श्रीनगर के MD डॉक्टर फिरोज अहमद साहब। कुछ ऐसे सवाल हम मुफ्ती साहब और डॉक्टर साहब से पूछते हैं जिनका ताल्लुक हर एक रोजेदार के साथ है। कुछ ऐसी बातें यहाँ पर बयान की जाती हैं जिनके बारे में हमें पूरी इल्मियत नहीं होती है, आम लोगों को इल्मियत नहीं होती है। आज भी एक सवाल हम मुफ्ती साहब से पूछेंगे। मुफ्ती साहब, म्यादे के ताल्लुक से जो बीमार होते हैं स्टोमक पेशेंट्स, उनके लिए क्या होगा? म्यादे के मरीज रोजा रखें या ना रखें, इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि गालिबन म्यादे की बीमारियों के लिए सबसे बेहतरीन इलाज रोजा ही है, लेकिन इस बात को हतमी तौर पर डॉक्टर बयान करेंगे क्योंकि ये उनका फील्ड है। ताहम अगर कोई आदमी डॉक्टर से पूछे बगैर मैदे की तकलीफ में मुबतला होकर रोजा रखेगा और रोजा रख करके उसको लगता यह है कि मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है और मैदे की तकलीफ में कोई इजाफा नहीं हुआ है, तो उसको रोजा रख लेना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता रोजा रखने की वजह से उसके मैदे में तकलीफ हो जाती है या डॉक्टर उसे कहते हैं कि रोजा रखने की वजह से आपके म्यादे में और ज्यादा तकलीफ होगी, मसलन अल्सर या मसलन एसिडिटी या इस तरह की कोई दूसरी बीमारी है, तो ऐसी सूरत में बीमार को, उस म्यादे के मरीज को रोजा छोड़ देना चाहिए और डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक दवाइयां लेनी चाहिए तब तक जब तक उसका म्यादा इस काबिल न हो जाए कि वो रोजा बर्दाश्त कर सके। खुलासा यह है, एक तरफ से ये म्यादे का मरीज अपनी हालत को खुद देखे और दूसरी तरफ से वो डॉक्टर की एडवाइस पर अमल करे। लेकिन जैसा कि इससे पहले बताया गया है, डॉक्टर का मुसलमान माहिर और दीनदार होना जरूरी है, और उसके बाद फिर जब मुसलमान माहिर दीनदार डॉक्टर कहेगा कि आपको रोजा रखना चाहिए तो रख लेना चाहिए, और अब वो कहता है कि नहीं रोजा छोड़ दें आप और आप दवाइयां मुसलसल लेते रहें तब तक जब तक आपके मैदे की सारी खराबियां दूर ना हो जाएं, फिर आप आगे रोजा रखने के काबिल हो जाएंगे, तो उस वक्त डॉक्टर की बात मान करके रोजा छोड़ देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। और यहाँ पर डॉक्टर फिरोज साहब तशरीफ रखते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस मौजू के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम सबको मालूम है, तकरीबन इस वक्त हर एक इंसान कोई ना कोई दवाई खाता रहता है, खासकर म्यादे की दवाई बहुत सारे पेशेंट्स खाते रहते हैं, लेकिन चूंकि इसमें अक्सर जो दवाइयां डॉक्टर साहिबान तजवीज़ करते हैं वो खाली पेट खाने की होती है, और चूंकि सुबह सहरी पर उठना है तो उस वक्त अगर वो खाली पेट वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर ले और इंशाल्लाह ताला पूरा रोज़ा वो अपना रख सकते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़रूरी है। हाँ, अगर किसी मरीज को दिन में कभी प्रॉब्लम हो, जैसे मुसाब ने पहले इससे पहले प्रोग्राम्स में बता दिया कि इंजेक्शन लगा सकते हैं, तो बहुत सारी इंजेक्शन मैदे के इंजेक्शन आते हैं तो वो दिन में लगा सकते हैं, लेकिन अपने रोजे को कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी और मुफ्ती साहब आपका भी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपके साथ। इस वक्त आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यो स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन ये प्रोग्राम से तहताम वातनावान हया वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर नजदीक पुलिस स्टेशन बटमालू श्रीनगर ये डिस्क पाइल्स तो प्रोस्टेट वगैरह खतर ऑपरेशन वगैरह इलाज सप्तान छु। फोन 7051545788।